हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स स्नेहा द्विवेदी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेसिक मैथमेटिक्स पे वीडियो लेके आई हूँ। ये स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। और बेसिकली ये जो है मेरा बीसीए स्टूडेंट्स और एमसीए स्टूडेंट्स के लिए हैं बेस मैथमेटिक्स की वीडियो। जैसा कि बीसीए और एमसीए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं दिसंबर में, तो ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आज नवंबर मंथ अब स्टार्ट होने वाला है कल से, तो मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ वीडियो बनानी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम्स में। तो ये पेपर हम सॉल्व करेंगे जून 2017 का। ओके, इससे पहले मैंने जो सॉल्व किया हुआ 2015 का, आई गेस दिसंबर या जून दोनों में से कोई एक है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं और उस पर मैंने सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं। आप चाहें तो वो क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर सकते हैं उसकी हेल्प से, उन वीडियोस की हेल्प से। ओके, अभी मैं जो वीडियोस बना रही हूँ ये जून 2017 के पेपर पे बना रही हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर वन हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर वन हम कैसे करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट कर रहे हैं। शो डैट, ये देखिए ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। और इसको, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि इसके 2-3-4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मिनिमम 2 तो आते ही आते हैं, इसके 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है। शो डैट डिटरमिनेंट 1 1 1 a b c a square b square c square इज इक्वल टू b माइनस a c माइनस a एंड c माइनस b। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इस डिटरमिनेंट में कुछ रिलेशंस लगाने होंगे। हम इसमें कुछ रिलेशंस लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें, बाय अप्लाइंग R2 tends to R2 minus R1। देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बेसिक्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। वो बेसिक्स मैंने बताया है क्वेश्चन पेपर 2015 में, ठीक है, 2015 के क्वेश्चन पेपर में बताया है। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होता, यहीं से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते प्रीवियस, तो आप डायरेक्ट इससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट हाँ, जो मैं बता रही हूँ बीच बीच में जो पॉइंट्स बताती रहूँगी उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, ओके। आपको कोई ज़रूरत नहीं प्रीवियस वीडियो देखने की, तो वो देख लीजिएगा क्योंकि उसमें डिफरेंट क्वेश्चन हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं। बट कोई ज़रूरी नहीं है, बेसिक्स के लिए आप डायरेक्ट इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। आर टू टेंड्स टू आर टू माइनस आर वन, ये ध्यान रखिएगा, जो आप जिस रो में चेंज करना है, जिस रो में चेंज करना है वो हमेशा इस एरो के पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो हमेशा इस एरो के पहले होना चाहिए। सपोज़ मुझे रो टू, ये हमारी रोज हैं, रो वन रो टू रो थ्री, और ये हमारे कॉलम्स हैं सी वन सी टू सी थ्री, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, ओके। तो ये आर टू मतलब इस रो में मुझे चेंज करना है। किस में चेंज करना है, इस रो में मुझे चेंजेस चाहिए, ठीक है। इसमें चेंजेस किसके अकॉर्डिंग चाहिए, देखिए हमारे पास बी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, ए माइनस करना है। तो देखिए अगर मैं बी माइनस ए बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, सेकेंड रो में फर्स्ट रो को माइनस कर दूँ तो मेरा बी माइनस ए आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, आर टू टेंड्स टू आर टू माइनस आर वन कर दिया, रो टू में से रो वन को माइनस कर दे तो मेरा बी माइनस ए बन जाएगा, ओके। इसलिए मैंने ये किया। तो आर टू जो रो यहाँ पे जिसमें चेंज करना है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, आर टू माइनस आर वन, ओके। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। इससे तो हमारा ये इम्पैक्ट आ जाएगा। दूसरा हमें क्या चाहिए, सी माइनस ए चाहिए, सी मेरा ये ना, सी माइनस ए मतलब इसमें अगर मैं ये ए माइनस कर दूँ, मीन्स आर थ्री में मैं आर वन को माइनस कर दूँ, जैसे मैंने आर टू में आर वन माइनस किया, सेम एज इट इज़ आर थ्री में आर वन माइनस कर दूंगी। तो आर थ्री टेंड्स टू आर थ्री माइनस आर वन, ओके। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो नाउ वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा अब इससे, ये मिलेगा, आप इस तरीके से इसको कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है, चेंजेस किस में हो गए, आर टू में एंड आर थ्री में,
इस रो में चेंज होगा और इस रो में, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया जिस रो में हमें चेंज करना होता है वही हम पहले लिखते हैं एरो से पहले, ओके। और इस एरो को हम प्रोनाउंस करते हैं, इससे बोलते हैं टेंस टू बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर टू जो चेंजेस आएंगे वो इन दोनों में आएंगे, आर वन में कोई चेंज नहीं है तो हम आर वन एज इट इज लिख देते हैं। नाउ अब यहाँ पे चेंज आएगा, वन माइनस वन इज जीरो, आई होप आपको समझ में आया। आर टू, आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, तो वन माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। सेम आर थ्री माइनस आर वन, वन माइनस वन इज जीरो, सी माइनस ए इज सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए। नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था दस, तो इसमें से हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, आ गया ना यहाँ पे, देखिए बी माइनस से बी इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब मैं यहाँ पे करती हूँ फॉर्मूलाज ओपन करूँगी, बी माइनस ए एंड सी माइनस ए, ए स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इस तरीके की आइडेंटिटी होती है, वही आइडेंटिटी मैं यहाँ अप्लाई करूँगी। देखिए ए मेरा ये है, ये बी है, तो मेरा हो जाएगा बी माइनस ए एंड बी प्लस ए अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली, तो सिमिलरली का साइन लाइक दिस, ओके। सेम इधर यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस ए एंड सी प्लस ए, हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो हमारा इस रो में से आर टू में क्या आ रहा है, यहाँ पे तो ज़ीरो है, तो बी माइनस ए, बी माइनस ए हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे आर टू में से बी माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग बी माइनस ए कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन ले लें हम, आर टू से, ये आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, तो हम कॉमन कहाँ से ले रहे हैं, आर वन से, फ्रॉम आर वन, सॉरी फ्रॉम आर टू, एंड इस रो से क्या कॉमन ले रहे हैं, सी माइनस ए, एंड सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम कौन सी रो है स्टूडेंट्स, ये आर थ्री, आर थ्री में से कॉमन ले रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा, अब जी के जब यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ पे आ गया b माइनस ए कॉमन आ गया, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे c माइनस ए आ जाएगा, ओके। तो हमारे यहाँ क्या बचा, वन a और a स्क्वायर ही, तो एज इट इज़ रहा। देखिए यहाँ पे तो ज़ीरो था, यहाँ भी ज़ीरो था, यहाँ से जब यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, वन, यहाँ से ये भी आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, वन, यहाँ से ये चला गया क्या बचा, b प्लस ए, और यहाँ से ये चला गया तो क्या बचा, c प्लस ए, ओके। अब देखिए सिंपल सा है, क्योंकि ये हमारे ज़ीरो ज़ीरो हैं दोनों, तो इसलिए ये रो का हमारे जब हम, अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, सिंपल एक्सपेंड कर देंगे, क्या कर देंगे इसको, एक्सपेंड कर देंगे हम, डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा b माइनस ए और c माइनस ए, ये तो एज इट इज़ है। अब यहाँ एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब हम सी वन को एक्सपेंड कर देंगे, जैसे ही हम कॉलम दिस इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा वन से, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वन से मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी प्लस ए माइनस दिस इंटू दिस बी प्लस ए, ओके। ऐसे ही ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों का एक्सपेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ज़ीरो है, ज़ीरो को इससे किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, इसलिए सिर्फ हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। आई होप आपको समझ में, आप चाहें तो तीनों कर सकते हैं, एक्सपेंड मीन्स हमने, मैंने पूरा डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया जो डिटरमिनेंट में करते हैं। अब यहाँ पे आ गया बी माइनस ए सी माइनस ए, इसको हम ओपन करेंगे,
तो ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई है तो c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, देखिए इसे कैंसिल आउट हुआ, हमारा आ गया यहाँ पे b माइनस ए सी माइनस ए एंड यहाँ हमारा अच्छा सी माइनस बी सी माइनस बी। देखिए स्टूडेंट्स यही आपको यहाँ पे चाहिए था, एट लास्ट बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी हमारा आ गया, तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा शो हो गया। हमें यही तो शो करना था दिस विल इक्वल्स टू दिस, तो यही हमने यहाँ पे इक्वल्स टू में यहाँ पे ये लिया है, तो ये हमारा हो गया। ओके सॉल्व। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आए, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरी और भी वीडियोस मिलती रहें और आप एग्ज़ाम से पास होते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्ज़ाम्स, और प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज़। अगर आप जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है, ऑब्वियस है, इग्नू से पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं साथ के साथ, तो प्लीज़ कुछ दिन के लिए जॉब तो करते रहिए। देखिए जॉब छोड़ने से मैं ये भी नहीं कहूँगी कि फ़ायदा भी होगा, दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट थोड़ा सा टाइम एटलीस्ट 2 आवर्स डिवोट करिए, ठीक है, स्टडीज़ को, ताकि आप पढ़ सकें और वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए वीडियोस, क्योंकि जितना वीडियो शेयर करेंगे उतने आपके फ्रेंड्स भी पास होंगे, तो यार प्लीज़ पास करते रहो, सबको पास करवाते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेके आ रही हूँ, इसी सब्जेक्ट पर भी लाऊंगी मैं, 2-3 डेज प्लीज़ मुझे इस सब्जेक्ट के लिए छोड़ दीजिए, फिर मैं उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ बना दूँगी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।